तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो फाइनली आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। और आपके सामने देख पा रहे हैं होंडाई की एलांट्रा लेके आया हूं, जो कि 2019 का मॉडल है। तो इसका तलाजा लीकेज हो गया है, यानी एवापोरेटर कॉइल कूलिंग कॉइल लीकेज हो चुका है। तो इस वजह से इसका मैं डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूँ, यानी डैशबोर्ड खोलूँगा, पूरा अखंडी खुलेगा, ये पूरा अखंडी खोलना बिल्कुल ईजी रहता है ये। तो ये चीज़ें मैं कैसे खोलूँगा, क्या क्या चीज़ें मेरे को खोलनी पड़ेगी, वो सब चीज़ें इस वीडियो में मेंशन करूँगा और दिखाऊँगा आपको, और ए टू जेड आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो में नए हो तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियों की काम ज़्यादा मेरे पास होती है। डैशबोर्ड खोलना, इलेक्ट्रिकल कोई चीज़ है, वो सब चीज़ें मैं दिखाता हूँ वीडियो के ज़रिए। तो सबसे पहले मेरे को इसका बैटरी वायर रिमूव करना है, और सबसे पहले मैं आपको गाड़ी इग्निशन ऑन करके दिखा देता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। देख पा रहे हैं गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अभी लाइट वगैरह देख लीजिए, कुछ लाइट वगैरह आ रहा है क्या? सिर्फ टायर प्रेशर का लाइट आ रहा है, बाकी और कोई लाइट नहीं आ रहा है। एक सीट बेल्ट का, हैंड ब्रेक का और ऊपर डोर का लाइट है, बाकी और कोई लाइट नहीं आ रहा है। तो चलो सबसे पहले मैं बैटरी वायर रिमूव करके आता हूँ। तो फाइनली बैटरी वायर अपना रिमूव हो चुका, निकाल दिया हूँ, और सबसे पहले मैं कंसोल बॉक्स खोलना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हर वीडियो में मैं सबसे पहले कंसोल बॉक्स ही खोलना स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें 10 नंबर दिया रहेगा, दो 10 नंबर दिया हुआ है इसमें, देख पा रहे हैं। उसके बाद ये वाला खोलना पड़ेगा सबसे पहले मेरे को। तो ये वाला खोलने के लिए, खोलने से पहले अपने को आई थिंक इसको साइड से अगर निकालेंगे तो भी निकल जाता है ये, और अगर साइड से ना निकाले तो पहले ये वाला खोलना पड़ेगा आपको। ये वाला खोलने से पहले ये खोलना पड़ेगा, फिर सेम प्रोसेस इस साइड है, ये वाला पहले खुलेगा फिर ये खुलता है इजीली। तो चलो मैं इसको खोलता हूँ। तो फर्स्ट ओपन माइनस स्क्रूड्राइवर लेने का और ऐसा डालने का, चुका, और गियर शिफ्ट तो बाद में होगा नहीं, और यहाँ पे एक बटन दिया हुआ रहता है, ये देख पा रहे हैं, ये वाला बटन नीचे दिया हुआ रहता है। तो बैटरी वायर निकाल चुके तो गियर शिफ्ट तो होगा नहीं जल्दी, तो इसको दबा करके इसको पीछे ले लेने का। तो अब ये निकल चुका, तो इसका मेरे को ऊपर का जो कपड़ा जो है ना, ये कपड़े वाले को पोर्शन को अलग करना पड़ेगा। तो ये लॉक देख पा रहे हैं, ये लॉक को प्रेस करना पड़ेगा, ये निकल गया इजीली। अब इसको अपन इजीली बाहर ले सकते हैं। तो इसमें पीछे रहेगी सॉकेट, ये सब सॉकेट खोल देता हूँ मैं। ये सॉकेट थोड़ा अड़चन करेगा, तो दो हाथ लगेगा मेरे को इधर, तो दोनों हाथ से निकालता हूँ मैं इसको। तो फाइनली निकल चुका, ये भी सॉकेट निकल गया। अब इसको पीछे कर देता हूँ मैं होल्ड। अब ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला, इसको आपको इधर खींचना है तब जाकर के ये खुलेगा, या फिर इसके साथ भी निकालेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मुश्किल देगा। तो इसको अपन निकाल देते हैं। तो निकालने के लिए अपने को माइनस स्क्रूड्राइवर से यहाँ पर डालना है, देख पा रहे हैं इधर का निकल चुका, तो इधर ऑटोमेटिकली जगह मिल जाता है। तो ये फाइनली निकल चुका अपना।
अब उसके बाद अपने को निकालना है, सेम इसी तरीके से इसको बाहर लेना है, फिर ये निकल जाता है अपना कंसोल बॉक्स का सेटअप। अब मेरे को यहाँ का 10 नंबर दोनों खोलना है, तो ये 10 नंबर दोनों खोलता हूँ मैं। तो यहाँ का दोनों 10 नंबर खोल चुका हूँ। अब सामने रहेगी स्क्रू एक, ये उसके बाद ये वाला, तो दोनों स्क्रू खुल गया, ये अपना ऊपर इजीली आ जाएगा। और ये वाला जो है इसको माइनस इसको डार से बाहर ले लेना है आपको, क्योंकि हैंड ब्रेक यहाँ पे अड़चन कर सकता है। तो चलो इसको मैं पीछे होल्ड कर देता हूँ, पीछे होल्ड हो चुका। अब अपने को ये वाला चीज़ें खोलना है, ये और ये, तो सिंगल सिंगल निकलता है दोनों, तो मैं इसको निकालता हूँ। यहाँ स्क्रू दिया है, उसके बाद ये लॉक में रहता है, तो ये स्क्रू खोलने के बाद ये इजीली अपना बाहर आ जाएगा। तो चलो इसको निकालता हूँ मैं। तो फाइनली स्क्रू खोल दिया हूँ, और पीछे एक क्लिप रहती है, ये वाली क्लिप यहाँ से निकाल दिया हूँ। अब सेम उस साइड भी वैसी ही है, तो अभी अपना इजीली निकल जाएगा। इसको निकालना कैसा है आपको, यहाँ पे इसको खींचना है, इसको सपोर्ट रख करके, देख पा रहे हैं ये निकल चुका। तो सेम इस साइड का भी वैसे ही खोलना है। उसके बाद ये वाला डक्ट निकालना है, यहाँ पे 10 नंबर दिया हुआ रहेगा, ये 10 नंबर खोलने के बाद ये इजीली अपना बाहर आ जाएगा। उसके बाद एक स्क्रू, अब अपने को खोलना जो है ना, इधर कुछ नहीं है, अब इधर खोलना है। इधर खोलने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू दिख रहा है, उसके बाद ये कवर के नीचे तो कुछ नहीं है, ये वाला पैनल खोलना पड़ेगा। पैनल खोल लेते हैं, देख लेते हैं क्या दिया है। ले लेना है, इसके बाद से मैं ऐसे लॉक रहेगा इसमें। तो यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा, तो पहले ये वाला स्क्रू खोलते हैं अपन, उसके बाद इसको खींच के ये निकल जाएगा। ये अगर यहाँ नहीं दिया है तो यहाँ पे दिया रहेगा। कर देता हूँ, ये देख पा रहे हैं एक स्क्रू दो स्क्रू दिया हुआ है। तो चलो तीनों स्क्रू खोलता हूँ। तो फाइनली स्क्रू खोल चुका हूँ, अब इसको खींचेंगे, ये बाहर आ जाएगा, देख पा रहे हैं बाहर आ चुका है। अब जो अपने को जो है इधर ज़्यादा कुछ खोलना नहीं है, बस वायरिंग खोलना है फ्यूज बॉक्स में से। ये चेक करना है कि कौन सी वायरिंग अपना डैशबोर्ड के साथ है और कौन सी वायरिंग बाहर से आया है। तो ये देख पा रहे हैं ये बाहर से आया हुआ वायरिंग, मेरा हाथ दिख रहा होगा आपको, ये वाली वायरिंग बाहर से आया हुआ है। तो बाहर से जो वायर आया है इसका सॉकेट, एक ये वाली वायर, एक ये, दो ये वाली, एक ये वाली दो, और एक ये वाली है स्टेयरिंग बॉक्स का। तो ये येलो कलर की जो दिख रही है आपको, इसको पहले आपको बाहर निकालना है, फिर जाकर के ये प्रेस होता है। तो यूँ इजीली प्रेस करेंगे, इजी स्टेप में निकल जाता है, निकल चुका है। अब यहाँ पे एक क्लिप दिख रहा है, तो ये क्लिप प्लायर से जल्दी निकलता है, मैं माइनस स्क्रू ड्रायर से निकालता हूँ, कंफर्टेबल नहीं है निकालना ये।
तो चलो इसको मैं निकाल दूंगा बाद में, इसका टेंशन नहीं। तो अब अपने को ये वाली वायर देखना है, ये फ्यूज़ बॉक्स जो है अपने डैशबोर्ड के साथ आएगा, एंगल के साथ आएगा। तो अब ये वाली वायर आया है, किधर से आया है? बाहर से आया है। तो इसमें दो सॉकेट हैं, तो ये दोनों सॉकेट निकाल देना है अपने को। निकल चुका, ये भी निकल चुका। अब ये क्लिप दिख रहा है आपको, एक क्लिप निकाल देना है। तो चलो ये दोनों क्लिप निकाल देता हूँ मैं। और ये वाली तो वायर जो है इसके साथ ही है, और फिर एक पीछे वायर गया है ये फ्यूज बॉक्स से बाहर से, यानी पीछे साइड से ये वाली वायर आया है। तो ये दोनों सॉकेट निकालना है फिर अपने को। ये वाली वायर दो सॉकेट है, एक ये सॉकेट, उसके बाद एक ये सॉकेट। तो ये निकल चुका। अब अपने इधर का सॉकेट पूरा, बस ये दोनों क्लिप निकालना है मेरे को। तो चलो ये मैं निकालता हूँ, फिर इधर खोलने के लिए लेके चलता हूँ आपको। तो फाइनली अब अपने आ गए हैं इधर। तो इधर से खोलना है अपने को, एक दो तीन, दस नंबर खोलना है। तीन दस नंबर खोल के ये पट्टी अलग हो जाएगा। तो ज़रा मैं आपको खोल के ही दिखा दे रहा हूँ। तो गाइज़ मैं कोशिश करता हूँ कि सब चीज़ें आपको खोल के आपके सामने ही करूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो डिफ़िकल्ट है खोलना, मतलब दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ती है मेरे को, तो फिर वहाँ मैं दिखा नहीं पाता हूँ। और ये सब चीज़ें दिखाता हूँ इसलिए ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, क्योंकि बहुत से भाइयों को कैसा लगता है ये बहुत हार्ड काम है, ये है वो ये है, बहुत सारे दिमाग में आता है। तो गाइस जब तक आप करेंगे नहीं ना, अब तक फंडा आपको समझ में नहीं आएगा किसी भी चीज़ का। तो फाइनली ये भी खुल चुका। तो ये पट्टी अलग कर देना है अपने को, बस और कुछ नहीं करना है। ये पट्टी अलग हो चुका। अब नीचे देखते हैं कोई सॉकेट कुछ अड़चन करेगा क्या। इधर कुछ सॉकेट अड़चन करने वाली बात नहीं है। अब ये वाली सॉकेट देख लेते हैं क्योंकि एंगल के साथ है। तो ये एयरबैग वाली सॉकेट खोलना पड़ेगा अपने को, इसको इधर दबाना है अपने को। हाथ से अगर नहीं हो रहा दब रहा तो माइनस स्क्रूड्राइवर से ये वाली चीज़ें दबा देना है, उसके बाद इसको इस तरफ कर देना। ये इजीली निकल चुका। अब ये वायरिंग पीछे आया है, गियर शिफ्टिंग लीवर की तरफ आया है। तो यहाँ से एक सॉकेट है और दो क्लिप लगी है। तो ये दोनों क्लिप जैसे अच्छा लगे आपको, पास क्लिप प्लायर है तो क्लिप प्लायर से खोलना। तो मैं माइनस इसको डर से ही खोल देता हूँ, लेकिन बस दो हाथ लगता है अपने को, दोनों हाथ से खुलेगा। तो चलो मैं खोल देता हूँ। तो फाइनली इसको भी निकाल दिया हूँ। और अब गियर बॉक्स का जो ये सेटअप है, इसको आप अगर यहाँ रखना चाहते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। लेकिन अड़चन करेगा, क्या अड़चन करेगा, जब आप डैशबोर्ड इसको पल्टी मारना रहेगा तो यहाँ पे ये चीज़ें लग सकता है। तो इस वजह से इसका जो है ना, इसको खोल के अलग ही कर दे। खोल के अलग करना है तो अलग भी हो जाएगा, और इसको नीचे गिराना है लेटाना है तो वो भी हो जाएगा। तो मैं इसको करता हूँ क्या, खोल के अलग ही कर देता हूँ। तो 12 नंबर का है, एक दो तीन, एक इधर चार। तो इसको खोल के यहाँ की लॉक निकाल के इसको अलग कर देता हूँ। तो पहले 12 नंबर खोल लेता हूँ मैं। तो फाइनली चारों 12 नंबर खोल चुका हूँ। और उसके बाद ये वाला पिन जो कि गियर की केबल को जो लॉक करके रखता है, तो इसको निकालना है आपको। इसको ऐसे ही निकाल देना है, हाथ से निकल चुका ये। और इसके बाद इसको निकाल देना है। अब ये जो है, एक स्क्रू ड्राइवर लेना, इस तरीके से इसको डाल देना है और ऊपर साइड खींच देना है, उठा लेना है। तो ये निकल गया। तो ये पूरा सेटअप अपना अलग ही हो चुका। तो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब सेम इस साइड 3-10 नंबर खुलेगा,
तो ये चीज़ें मैं बाद में खोलूँगा, सबसे पहले इस साइड आ जाते हैं। इस साइड अपने को क्या खोलना है, अभी ये वाला खोलना है, देखते हैं इसमें कौन सा लॉक दिया है। तो देख पा रहे हैं इसमें एक ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से कटाओगे तभी जा कर के ये लॉक निकलता है बाहर। तो कौन सा लॉक रहता है जो कि दोनों को ऊपर नीचे से दबाना पड़ता है, तो वो मैं निकालता हूँ इसको, फिर दिखाता हूँ, क्योंकि एक तरफ स्क्रू ड्राइवर एक तरफ हाथ से मेरे को ये करना पड़ेगा। तो चलो निकालता हूँ मैं, तो फाइनली निकाल चुका हूँ। तो ये देख पा रहे हैं ना, एक हाथ से ऊपर से ये वाला लॉक को प्रेस करना पड़ता है, नीचे दबाना पड़ता है, और एक नीचे, दोनों जब दबाएंगे तब जा करके ये लॉक अपना छोड़ता है। तो एक हाथ से जमता नहीं है, इस वजह से निकला नहीं मेरे से। तो चलो ये निकल चुका अपना, अब अपना ये सॉकेट खोलना पड़ेगा। ये सॉकेट खोलना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो चीज़ें मेरे को नीचे से देखना पड़ेगा, लेकिन बट मैं निकाल देता हूँ अपना सेफ्टी के लिए, बाद में मेरे को अड़चन ना करे। उसके बाद ये क्लिप प्लायर से, ये प्लायर तो नहीं है, इसको डाड़ है, इसको बनाया गया है क्लिप प्लायर, क्लिप निकालने वाला। तो देख पा रहे इससे इजीली निकल जाता है। तो ये निकल चुका अपना, तो इस साइड मेरा लगभग चीज़ें खुल चुका है, बस एक 10 नंबर ये और एक 12 नंबर, एक 10 नंबर, सॉरी ये नहीं खोलना पड़ेगा, ये भी नहीं खोलना पड़ेगा, एक 12 नंबर ये है और इसके अंदर कुछ है, हाँ 12 नंबर यहाँ है और इसके अंदर देख लेता हूँ। इसके अंदर भी 12 नंबर है, तो ये तीनों 12 नंबर मैं खोलता हूँ। तो इधर से तीनों 12 नंबर खोल चुका हूँ, अब अपने को स्टेयरिंग का जो बोल्ट है ना नीचे वाला, वो 12 नंबर खोलना पड़ेगा। तो वो खोलने के लिए ना स्टेयरिंग अभी लॉक मत करना, पहले बोल्ट खोल देना, ये जो देख पा रहे हैं ये वाली, पहले बोल्ट मैं खोल देता हूँ, फिर कैसे क्या करता हूँ वो चीज़ें दिखाता हूँ आपको। तो बोल्ट तो खोल चुका हूँ, अब इसको आपको ऊपर लेना है, इजी स्टेप्स में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देख पा रहे हैं इजी स्टेप में आ रहा है ये ऊपर, तो अपना इजीली निकल जाएगा। तो इसको वापस से ऐसे ही बैठा देना है, ओके। अगर ना आए इजीली तो स्टीयरिंग को घुमाना है, हिलाना है इस तरीके से, तो अपना जगह छोड़ देता है, तो फिर इजीली निकल जाता है वो। तो उसके बाद मैं ऊपर आ जाता हूँ, चाबी निकाल देता हूँ, की रिमूव कर देता हूँ और इसको लॉक कर देता हूँ। लॉक हो चुका है स्टीयरिंग, अब नीचे आते हैं, अब इसको निकालते हैं। देख पा रहे हैं फुल्ली इजी स्टेप में ये निकल चुका। तो इधर का अपना सब कुछ खुल चुका, और कुछ तो दिख नहीं रहे, तो अब चलते हैं अपन उस साइड। उस साइड क्या क्या खोलना पड़ता है वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली अपन इस साइड आ चुके हैं, तो सबसे पहले इस साइड ग्लो बॉक्स खोल देते हैं। ग्लो बॉक्स का इसका इजी दिया है, ये निकालना है, उसके बाद ये वाला घुमा के निकाल देना है, निकल चुका है। अब यहाँ पे ये रहेगी टेस्टनर, अब इसमें जो है ना ये वाली क्लिप वाला सिस्टम दिया है, तो इसको खींचना है, निकल चुका, सेम ऐसे ही सेट करना है, निकल गया ये ग्लो बॉक्स। अब इसको पीछे होल्ड कर देना है, सामान गिर गया। उसके बाद आ जाते हैं इधर, ये चीज़ अलग करना है पहले, क्योंकि इसके अंदर स्क्रू दिया हुआ रहता है या फिर क्या दिया हुआ है या नहीं है देख लेते हैं। खोल दिया इसको, इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ और ये रबर निकाल देता हूँ, उसके बाद इसको निकाल देते हैं अपन।
इसको पीछे होल्ड कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है। 2 12 नंबर दिया है, इसको बाहर से नहीं दिया हुआ रहता है, यहीं से दिया हुआ रहता है। तो ये दोनों 12 नंबर खोलना है अपने को। उसके बाद ये वाला सेम उस तरफ जैसे निकाले वैसे इस तरफ से भी निकलेगा। ये वाला दोनों लॉक को हटाना पड़ेगा फिर निकलेगा। तो चलो ये खोलता हूँ मैं, ये दोनों 12 नंबर, ये लॉक निकालता हूँ, ये साइड पैनल निकालता हूँ। तो फाइनली ये भी खुल चुका और अपना ये दोनों 12 नंबर खुल चुका। अब ये तीनों 10 नंबर खोलता हूँ। उसके बाद एक क्लाइमेट कंट्रोल सपोर्ट के लिए दिया है, ये खोलता हूँ। तो ये सब खोल के निकालता हूँ मैं। तो फाइनली इधर का खुल गया और ये डक्ट जो है ना, निकलने टाइम कुछ नहीं है, डैशबोर्ड उठाएंगे निकल जाएगा, लेकिन बैठाने टाइम थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है, बाकी और कुछ नहीं। और यहाँ का 10 नंबर खोल दिया हूँ, यहाँ का 10 नंबर खोल दिया हूँ क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट में जो रहता है। और ये ड्रेन पाइप, इसको निकाल देना है अपने को। जल्दी निकलता नहीं है क्योंकि ये लॉक रहता है। उसके बाद ये वाली वायरिंग चेक करना है आपको, ये वाली वायरिंग डैशबोर्ड्स के साथ है। तो ये दोनों सॉकेट फिस निकाल देना है अपने को। तो फाइनली अब अपना अंदर से डैशबोर्ड पूरा खुल चुका है, ये वाली सॉकेट भी निकाल दिया हूँ। अब अंदर से अपना डैशबोर्ड पूरा खुल चुका है। अब अपने को अपन इसको इजीली पलटी मार सकते हैं, पलटी तो मार सकते हैं, लेकिन बाहर से और दो चीज़ खोलना पड़ेगा, कॉल पैनल खोलना पड़ेगा और अपने को बाहर से 2 बोल्ट दिया हुआ रहेगा, हीटर पाइप एक्सपेंशन वाल का जॉइंट खोलना पड़ेगा। तो चलो बाहर चलते हैं अपन। तो फाइनली अपन बाहर आ चुके हैं। अब बाहर से सबसे पहले मैं वाइपर ब्लेड खोल देता हूँ। तो फाइनली सबसे पहले इसका ऊपर का ये निकालना पड़ेगा माइनस स्क्रूड्राइवर से, ये वाला कवर निकालना है आपको। उसके बाद ये 14 नंबर का है, 14 नंबर का लगा के इसको खोल देना है। ये खुल चुका, तो इसको थोड़ा इधर दबा करके ये अपना इजीली निकल चुका। सेम उस साइड का खोलना है ऐसे ही। तो ये भी खुल चुका ऐसे ही, थोड़ा इसको ये करना है, फटका मारना है, उसके बाद ये इजीली निकल चुका। अब अपने को ये लॉक दो, एक ये निकला हुआ है, एक उधर, 4 लॉक रहता है टोटल। ये खोल के कॉल पैनल बाहर निकालता हूँ मैं। तो फाइनली ये लॉक निकाल दिया हूँ। अब ये अपना इजी स्टेप में निकल जाएगा। वाइपर का पाइपलाइन है यहाँ पे, तो इसको देख लेना है कहाँ पे जॉइंट है इसका। ये रही जॉइंट इसका, निकाल देते हैं यहाँ से। और यहाँ से क्लिप है, क्लिप निकाल देते हैं या फिर इसको ऐसे निकाल देते हैं, बाद में डाल देंगे इसके अंदर। अब अपना ये बाहर आ चुका, तो इसको नीचे होल्ड कर देते हैं। अब रही अपना ये, देख पा रहे ये 12 नंबर 2 खोलने के लिए, बस इतना खोलना पड़ रहा है अपने को। तो अगर इजी स्टेप से खोलना चाहते हैं आप तो वाइपर पूरा सेटअप खोलना पड़ेगा। अगर यहीं से खोलना चाहते हैं तो भी यहां से भी खुल जाता है। तो चलो मैं यहीं से खोल देता हूं, इसको खोल के दिखाता हूं आपको। तो फाइनली दोनों खोल दिया हूं, बेकर वाइपर मोटर खोले हुए, ब्लेड खोले हुए, फ्रेम खोले हुए बगैर खोल दिया हूँ मैं इसको। अब अपने को हीटर पाइप निकालना है। तो हीटर पाइप निकालने के लिए बहुत सारे भाई का कमेंट था कि
इसको अब निकाल के दिखाऊं। तो ये पक्कर ले लिया हूं मैं और इसको ऐसे दबाना है। ये इजीली निकल गया अपना। ये नीचे वाला लेना है, ऐसे पकड़ना है। ये निकल गया। अब ये पाइप निकालना जो थोड़ा है ना कठिन रहता है। कठिन क्या रहता है, इसको आपको घुमा के निकालना है, बस इतना ही, बाकी और कुछ नहीं। ये घुमा दिए, ये फिर निकलने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो देख पा रहे हैं ये निकल चुका है। इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। वैसे ऐसे पकड़ना है इसको और ऐसे घुमा देना है इसको। घूम नहीं रहा है अभी ये। जब तक घूमेगा नहीं अब तक ये निकलेगा नहीं। तो मेरे को कपड़े की जरूरत है तो एक कपड़ा ले लिया हूं अभी मैं। नहीं निकल रहा है ये मेरे को, जम नहीं रहा है हाथ से। तो चलो मैं इसको निकालता हूँ। तो फाइनली ये घूम चुका अपना, बस घुमाने के बाद ही ये निकलता है। तो अब अपना ये इजीली निकल चुका। अब अपने को आना है इधर एक्सपेंशन वाल के पास से, ये 10 नंबर खोलना है। बहुत से भाइयों से ये बोल्ट भी टूट जाता है, तो टेंशन नहीं। खोलने टाइम एक्सपेंशन कूलिंग कॉइल अगर चेंज कर रहे हैं तो टूट जाता है तो मुश्किल नहीं, लेकिन बट सर्विस वगैरह बहुत करते हैं ना उस टाइम टूट जाता है तो मसला करता है, क्योंकि कूलिंग कॉइल नया डालना पड़ता है या फिर बोल्ट निकालना पड़ता है कूलिंग कॉइल बाहर निकालने के बाद। तो चलो दोनों बोल्ट मैं फाइनली खोलता हूँ। तो फाइनली ये खुल चुका अपना। अब ये वाला बोल्ट खोल देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन बट अभी नहीं खोलूँगा मैं, जब फिटिंग करूँगा तब खोल दूँगा इसको, ताकि फिटिंग करने टाइम ये इजीली पाइप अपना बाहर आ जाए। और कुछ नहीं, दोनों पाइप खोल देना है, दोनों बोल्ट खोल देना है। 10 नंबर का जो है चार है, चारों तरफ का हीटर का एक्सपेंशन वाल के पास का दोनों खोल देना है आपको। तो चलो अब अपना डैशबोर्ड निकल जाएगा, तो अपन अपना डैशबोर्ड पूरा पलटी मारता हूँ, फिर पलटी मार के आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली डैशबोर्ड निकल चुका है, देख पा रहे हैं। तो चलो इसका तलाजा खोलते हैं अपन। ये वाला डक्ट जो है ना, इसमें ये वाली मॉडल में मैं नया पहली बार देख पा रहा हूँ। तो डैशबोर्ड निकालने टाइम ना थोड़ा अड़चन किया और डालने टाइम भी अड़चन करेगा, तो ये पहले ही निकाल देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलो अब इसका इवेपोरेटर कॉइल, ये रही स्क्रू, 1 2 3, ये रही 4 5, कपड़ा को पीछे लेना पड़ेगा, चिपका हुआ है। दो इधर है, तो ये सब स्क्रू खोलता हूँ और इसको कवर को बाहर निकालता हूँ मैं। तो फाइनली ये निकल रहा है। थोड़ा हीटर कॉइल को खोल के थोड़ा बाहर साइड दिया हूँ, उसके बाद ये थोड़ा यहाँ से कटाना पड़ेगा मैंने इसको डॉर से, उसके बाद निकलता है ये। तो ये निकल चुका अपना। तो देख पा रहे कॉइल की कंडीशन, और इसका सेंसर देखिए ये वाला लगा हुआ है। इसको निकाल देता हूँ, देख लीजिए कॉइल लीकेज हुआ है।
उसके बाद न्यू वाला कॉइल ये रहा। सेम है, तो चलिए इसको फिटिंग करता हूँ। तो फिट हो गया। चलो अभी इसके ऊपर का कवर बैठाता हूँ मैं। तो फाइनली फिट हो गया, देख पा रहे हैं, सब स्क्रू लगा दिया हूँ और सब प्रॉपर बैठ गया, कहीं कुछ गैप वगैरह कुछ नहीं दिख रहा, देख पा रहे हैं। तो चलो अब मैं इसका कपड़ा इधर डाल देता हूँ, ये तो पहले जैसा बैठेगा नहीं, फिर भी थोड़ा ऐसे ही बैठा देता हूँ। उसके बाद चलो अब डैशबोर्ड में फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके फिर दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली डैशबोर्ड वापस से फिट कर दिया हूँ, देख पा रहे हैं सब खुला पड़ा है। तो चलो सब सॉकेट वगैरह सब मैं बैठाता हूँ, फिर एक एक करके फिटिंग करने टाइम तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि हर वीडियो में यही बोलते आता हूँ कि फिटिंग तो करना इजी रहता है, जैसे जैसे खोले थे वैसे वैसे दिमाग में याद रखना है, फिर बाद में फिटिंग करने टाइम उसी तरीके से फिटिंग करना है। तो चलो सब मैं फिटिंग करता हूँ। तो गाइस ये सब फिटिंग करने से पहले ना जरा मैं आपको प्रेशर मार के दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सब फिटिंग करने से पहले आप प्रेशर मार के चेक कर लें कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है, नहीं तो फिर बाद में मालूम पड़ा कूलिंग कॉइल तो लीकेज नहीं होगा, हो सकता है डैमेज भी पार्ट वगैरह आता है कभी कभी, तो प्रेशर मार के चेक कर ले पहले। तो चलो मैं बाहर चलता हूँ, आपको प्रेशर मार के दिखा देता हूँ। तो ये अपना मीटर लाइन है, तो सबसे पहले इसका कनेक्शन करना है अपने को, ये लॉ वाला है एडाप्टर है, लॉ वाले से प्रेशर मारना है अपने को। ये फिट हो गया, टाइट कर दिया हूँ यहाँ से। अब ये वाला जो है हाई वाला मीटर से कनेक्टेड है, हाई वाला मीटर से कनेक्टेड है, तो यहाँ से हम प्रेशर इन करेंगे तो ये इधर भी आएगा इधर भी आएगा। आप इधर लेना चाहते हैं तो ये वाला मीटर में प्रेशर बढ़ेगा, आप अगर इधर लेंगे तो ये वाला मीटर लाइन में प्रेशर बढ़ेगा मीटर में। तो चलो इसको लगा देता हूँ मैं कम प्रेशर के डिस्चार्ज लाइन में, यानी हाई साइड या डिस्चार्ज लाइन। अब यहाँ से इसको बंद रखना है क्योंकि प्रेशर इधर भी जाएगा। अब इसको खोलना है, प्रेशर अपने को लेना इधर है तो खोल दिया हूँ। अब यहाँ से कंप्रेसर ऑन कर देता हूँ, तो देख पा रहे प्रेशर बढ़ रहा है, 300 का प्रेशर मार के होल्ड रखते हैं। तो देख पा रहे हैं 200 पे आ चुका है। तो चलो मैं इसको बंद करता हूँ। तो 300 का प्रेशर हो चुका, इसको बंद कर दिया हूँ, अब कंप्रेसर बंद कर देता हूँ, इसको खोल दिया हूँ, जो प्रेशर है इधर से निकल जाएगा। तो 300 का प्रेशर मार के रखा हूँ होल्ड। तो चलो अब अंदर का फिटिंग करते हैं, बाहर से आप जब फिटिंग करेंगे तो ये वाली बोल्ट पहले डैशबोर्ड अंदर से फिटिंग मत करना, ये वाली बोल्ट लगा देना, क्योंकि बाद में अगर फिट कर देंगे तो ये बाद में बैठता नहीं है, आकरा टेकरा बैठता है तो बोल्ट स्लिप मार देता है, तो पहले इसको बैठा लेना, इजीली बैठ जाएगा। पाइपलाइन वगैरह लगा दिया हूँ सब। तो चलो फिर अंदर फिटिंग करते हैं अपन। तो फाइनली ये सब फिटिंग कर दिया हूँ, इस साइड का तो पूरा सॉकेट वगैरह सब फिट हो चुका, बस बचा है अपना कंसोल बॉक्स बैठाना और इस साइड बैठाना। तो चलो ये सब फाइनली मैं फिटिंग करता हूँ, फिर दिखाता हूँ। तो फाइनली पूरी गाड़ी फिट हो चुकी है, देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से सब A to Z फिट हो चुका है। तो चलो यार बाहर चलते हैं, प्रेशर होल्ड है या नहीं है, प्रेशर अब तक का तो होल्ड है, बाहर भी सब कॉल पैनल वगैरह सब फिट हो चुका है, प्रेशर छोड़ देता हूँ।
ये लाइन चेंज कर देता हूँ क्योंकि अब अपने को वैक्यूम में लेना है। इसको बंद कर देता हूँ, चालू है। यहाँ से भी लाइन चेंज कर देता हूँ, वैक्यूम वाले में लगा देता हूँ, चालू कर देता हूँ, वैक्यूम हो रहा है। तो 10 मिनट के लिए होल्ड करते हैं। तो अपना वैक्यूम कंप्लीट हो चुका है, देख पा रहे हैं। तो अब मैं इस लाइन को बंद कर देता हूँ, अब कंप्रेसर बंद कर देता हूँ, यहाँ से लाइन खोल देता हूँ। अब इसको सिलेंडर में लगा लेता हूँ। और यहाँ से ओपन कर देता हूँ। अब इसको पलटी मारता हूँ मैं, तो इसको पलटी मार दिया हूँ। अब यहाँ से अपन गैस छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी गैस छोड़ूंगा नहीं, बैटरी वायर लगा चुका हूँ। और चलो अंदर से गाड़ी करते हैं चालू। अपन सबसे पहले बैटरी वायर लग चुकी है, सब प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है। अब गाड़ी चालू करता हूँ। गाड़ी चालू हो चुकी। अब सबसे पहले अपना लाइट वगैरह देखते हैं, कोई लाइट वगैरह, चेक इंजन लाइट एक्स्ट्रा वगैरह आ रहा है क्या। सिर्फ टायर प्रेशर का जो कि पहले आ रहा था, बोनेट खुला है उसका, डोर का और सीट बेल्ट का, हैंड ब्रेक का, ये सब लाइट तो आना ही है। सिर्फ टायर प्रेशर का लाइट आता था पहले और अभी भी आ रहा है, तो टायर प्रेशर का मुश्किल नहीं। तो अब मैं करता हूँ यहाँ से एसी ऑन, ब्लोअर चालू कर दिया, एसी ऑन है। अब यहाँ से एसी ऑन हो चुका, तो चलो बाहर चलते हैं, गैस मारेंगे तभी जा करके कंप्रेसर चालू होगा। तो अभी इसमें प्रेशर 0-0 है, यानी फ्री ऑन 0 है। तो अब फ्री ऑन यहाँ से मैं छोड़ता हूँ, कंप्रेसर चालू हो चुका, नहीं हुआ अभी चालू, कंप्रेसर चालू होगा, पंखा चालू हो जाएगा। कंप्रेसर तो चालू हो चुका है, लेकिन बट पंखा चालू नहीं हुआ है। थोड़ा फ्री ऑन लेवल और लॉक हाई करता हूँ, फैन चालू नहीं हुआ है, फैन में कुछ तो मसला है इसका, फ्यूज चेक करना पड़ेगा मेरे को। नहीं, चालू हो चुका फैन। तो गैस करता हूँ फुल चार्ज, इसको मैं फुल चार्ज होने देते हैं और रिटर्न लाइन से आप चेक कर लें कूलिंग कैसा हो रहा है, नहीं रिटर्न लाइन आ रहा है क्या नहीं सही से। तो चलो इसमें मैं फुल गैस चार्ज करता हूँ, फिर अंदर कूलिंग टेम्परेचर वगैरह दिखाता हूँ जाके आपको। तो गैस अपना फाइनली फुल चार्ज हो गया, देख रहे हैं सक्शन प्रेशर 30 से नीचे है, 25 तक आएगा और भी डाउन हो रहा है। रिटर्न लाइन बराबर आ रहा है, हीटिंग वगैरह सब बराबर है, डिस्चार्ज हाई वाले पाइप भी देख लें गर्म हो रहा है या नॉर्मल है, नॉर्मल है पूरा। तो अब यहाँ आप कूलेंट का पाइप चेक कर लेना, लीकेज वगैरह तो नहीं कर रहे हैं, गाड़ी हीट होने देते हैं पहले। तो चलो सबसे पहले कूलिंग टेम्परेचर वगैरह चेक कर लेता हूँ, कितना आ रहा है कूलिंग, हो रहा है या नहीं हो रहा है बराबर। तो मैं इसके लिए आपके लिए स्पेशल थर्मामीटर मंगाया हूँ, तो देख पा रहे 3 पे कूलिंग टेम्परेचर आ गया, 3.1, 3.3, 3.7, 4 पॉइंट पे आ चुका है, यानी कूलिंग बराबर हो रहा है, कंप्रेसर ट्रिप मारा रहेगा इसकी वजह से। तो गाइज इस तरीके से एयर कंडीशन सिस्टम का काम होता है। आपको अगर आप काम सीखना चाहते हैं कोई भाई, तो आप सोच रहे होंगे कि बहुत इजी काम है, नहीं ये गलत बात है, बिल्कुल इजी कोई काम नहीं होता है, बहुत हार्ड डिफ़िकल्ट काम है। और एसी के साथ साथ आपको ना इलेक्ट्रिकल चीज़ें कंप्लीट करके आना पड़ेगा, कहीं पे भी जाएंगे बगैर इलेक्ट्रिकल का अभी कुछ सिस्टम कुछ चालू होगा ही नहीं। जब तक इलेक्ट्रिकल का आपको नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो है। बस यही चीज़ें हैं कि मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, आपके सामने ला रहा हूँ, कि जो भाई इससे इंटरेस्टेड है वो मेरा वीडियो देखे और कुछ ना कुछ सीखे। आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे को सब्सक्राइब क्यों करें, सब्सक्राइब करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं, जो इंटरेस्टेड है वही सब्सक्राइब करें, जो इंटरेस्टेड नहीं है वो वीडियो
को हाथ भी ना लगाए। बस मेरा रीज़न यही है कि मैं उन लोगों तक पहुंचा रहा हूं वीडियो बना करके, ये काम किस तरीके से किया जाता है उन भाइयों तक पहुंचा रहा हूं जो इनसे इंटरेस्टेड है। और जिसके पास कार है सेम मॉडल, तो वो तो देख सकते हैं कि मेरे गाड़ी के अंदर क्या चीज़ है, डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या फंडा रहता है, किस तरीके से रहता है, कूलिंग कैसे होती है, तो उनको जानना लाजमी है। नहीं आप जानेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं काम करवाने जाएंगे तो आप फंस जाएंगे वहाँ पे, आपके साथ उल्टा सीधा हो जाएगा, पैसे ज़्यादा ले लेगा, काम बराबर नहीं करके देगा, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ, लूटपूट हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपके साथ क्या हुआ क्या किया, आपको समझ में भी ज़रा भी समझ में नहीं आएगा। तो यही चीज़ें हैं कि मैं आपके सामने ला रहा हूं, और बाकी आपकी मर्ज़ी, देखना है देखो, नहीं देखना है तो मैं तो उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूं किसी को, बस यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं। तो गाइज़, इससे पहले मैं एलंट्रा 2023 का भी बना चुका हूँ, जिसमें एयरबैग वगैरह पूरा खुल चुका था, तो उसका एयरबैग वगैरह नया डाला हूँ, डैशबोर्ड नया डाला हूँ, तो वहाँ पे भी जा करके वो वीडियो देख सकते हैं, अपना मॉडल कौन सा मॉडल है आपका, जा करके वो मॉडल वाइज मॉडल वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो वहाँ जा करके आप देख सकते हैं, बस बाकी और कुछ नहीं। और ये मशीन से जिस तरीके से मैं गैस भर रहा हूँ ना, उस तरीके से आप इजी स्टेप में भर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। तो चलो फिर इस वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन फिर।